हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानपुर 91 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाई एवं बहन, चलिए आज हम लोग दोस्तों बिहार बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, बीपीएससी का, उसके लिए हम लोग साइंस में साइंस का पार्ट करने वाले दोस्तों, SCIENCE दोस्तों साइंस का पार्ट करने वाले हैं। और बिहार में जो सबसे ज़्यादा बुक बिकने वाला है दोस्तों, आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। किसका बुक है? किरण पब्लिकेशन का है दोस्तों। जो भाई बहन ले लिए हुए हैं और नहीं जो लिए हुए वो भी जाके ले लीजिए। ये सेल्फ स्टडी का बुक है, NCERT और SCERT पाठ क्रम के अनुसार है दोस्तों। ये 1-5 के लिए बुक है दोस्तों। इसमें हम दोस्तों आज सामान्य विज्ञान पर चर्चा करेंगे दोस्तों। सामान्य विज्ञान का जो थ्योरी दिया गया उस पर उसको हम पढ़ाएंगे और उसका वीडियो हम इस पर अपलोड करेंगे दोस्तों, जो कि आप सबों को रिवीजन में फ़ायदा होवे दोस्तों। और जो भाई बहन हमारे नए साथी एवं होंगे वो वीडियो अगर देखिएगा, जो नए होंगे वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। जब भी हम इसका पार्ट फिर डालेंगे, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आपको उस वीडियो को 102 बार देखिएगा। और जिन भाई बहनों को PDF चाहिए वो एग्जामपुर 91 टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। उसके और व्हाट्सएप नंबर मेरा 83 40 45 57 49, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप में हाय लिख के मैसेज कीजिएगा। जो चीज़ का वीडियो चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे दोस्तों, बना देंगे। आप भाई बहनों से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग वीडियो देखिएगा तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम साइंस पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। एग्जाम्पल 91 है दोस्तों, साइंस का थ्योरी पार्ट 1 होगा दोस्तों। इसमें हम 15 पेज को कवर करने वाले हैं दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को फैलाइएगा, आपको पढ़ने में बहुत सुविधा होगा दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्फ स्टडी गाइड है दोस्तों, बिहार में सबसे ज़्यादा बुक बिकने वाला है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग विज्ञान को कवर करेंगे क्योंकि विज्ञान से 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। चलिए पहले विज्ञान कवर कीजिए, उसके बाद फिर पर्यावरण हम कवर करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी TRE परीक्षा 1-5 से 9वां, 10वां एवं 11वां वर्मा पाठ्यक्रम NCERT और एवं SCERT पर आधारित है। इन्हीं पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, 100% है। 54 वर्षों का किरण जो पब्लिकेशन है दोस्तों, इनके पर सभी स्टूडेंट को भी विश्वास है और ये 54 वर्षों से बुक को पब्लिश कर रहे हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान दोस्तों। देख लीजिए, आज हम लोग इसी पे चर्चा करें, पार्ट 1 होगा वीडियो दोस्तों। साइंस हम इसलिए स्टार्ट किए दोस्तों क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है दोस्तों 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। इसलिए पहले साइंस को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और EBS को करेंगे दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सजीव वस्तुएँ, लिविंग थिंग्स दोस्तों, ऐसी वस्तुएँ जिसमें वृद्धि एवं विकास होता है, सजीव वस्तुएँ कहलाती है। क्या बोला गया फिर से देखिए, सजीव वस्तुएँ यानी लिविंग थिंग्स दोस्तों, ऐसी वस्तुएँ जिनमें वृद्धि एवं विकास होता है सजीव वस्तुएँ कहलाती है। जिनमें वृद्धि एक निश्चित समय तक होती है किंतु विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, उदाहरण जैसे वृक्ष जानवर है साथियों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन और उत्सर्जन आदि लक्षण दर्शाते हैं, अतः इन्हें सजीव कहते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स दोस्तों, वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास नहीं होता है निर्जीव वस्तुएं कहलाती है। निर्जीव वस्तुएं प्रायः मानव निर्मित होती है, उदाहरणार्थ पेन, पेंसिल, रबर, मेज, कुर्सी आदि दोस्तों। ये सब कैसी वस्तुएं? निर्जीव वस्तुएं दोस्तों।
सजीव के बारे में देखिए चर्चा करते हैं, समस्त पादप और जंतु और सूक्ष्म जीव दोस्तों ये सब सजीव वस्तुएं हैं दोस्तों। निर्जीव में देखिए समस्त पादपों, जब पादप दोस्तों हरे घास विषय को हम पादप कहते हैं दोस्तों, हरा घास भूसा दोस्तों। जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं दोस्तों ये सब किसमें आएंगे, समस्त पादपों जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं आते हैं निर्जीव में दोस्तों। विषाणु देखिए, विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है दोस्तों। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। विषाणु जो है दोस्तों सजीव एवं निर्जीव की बीच की योजक कड़ी है। ये स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं दोस्तों। विषाणु जो है ये सजीवों में प्रवेश करते हैं, करते ही सजीवों के समान वृद्धि गुणन आदि लक्षण प्रकट करने लगते हैं दोस्तों। विषाणु जो है दोस्तों सजीव में अगर प्रवेश करेगा तो सजीव की तरह व्यवहार करने लगेगा। साथ में पादप, ये पादप एवं पशुओं में, पादप एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों के कारक होते हैं। सजीवों को लक्षण, फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स, आकार एवं आकृति देखिए, सभी सजीवों का आकार एक आकृति निश्चित, सभी सजीवों का आकार एवं आकृति निश्चित होती है। जैसे अशोक का वृक्ष शंकुआकार तथा खजूर, अशोक का वृक्ष किस तरह होता है, शंकुआकार होता है साथ में, और खजूर का वृक्ष मुकुटाकार होता है। खजूर का वृक्ष किस तरह होता है, मुकुटाकार दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, कोशिकीय संरचना, बस सेलुलर स्ट्रक्चर देखिए, इनका शरीर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है दोस्तों। तीसरा पॉइंट देखिए, जीव दल दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या है, जीव दल प्रोटोप्लाज्मा, सजीवों की कोशिकाओं में जीव दल पाया जाता है जो कि जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात जीवन की सभी क्रियाएं इसी द्वारा संपादित होती है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, पोषण देखिए, न्यूट्रिशन, जीवधारियों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवधारी को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है साथियों, ऊर्जा की। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है, किसे प्राप्त है, भोजन से। जीवित रहने और वृद्धि के लिए भी भोजन आवश्यक है दोस्तों। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण किससे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाते हैं दोस्तों। किससे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे अपने भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। चलिए श्वसन के बारे में चर्चा करते हैं। श्वसन देखिए, श्वसन वह प्रक्रम है जिसमें भोज पदार्थ का ऑक्सीकरण के लिए वातावरण में ऑक्सीजन O2 शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है, और इस ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है साथ में। श्वसन ऊर्जा सजीवों के कार्य करने में काम आती है। अधिकांश जीव जंतु नाक से सांस लेते हैं, मछली गिल से तथा पत्तियां स्टोमेटा से सांस लेती है। पत्तियां किससे सांस लेती है साथियों, क्वेश्चन देखिए पूछेगा, पत्तियां किससे सांस लेती है, स्टोमेटा तो मछली गिल से, और जीव जंतु नाक से, ध्यान रखिएगा। प्रचलन तथा गति दोस्तों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट दोस्तों, सभी जीवधारी को प्रचलन की आवश्यकता भोजन आवास और रक्षा के लिए पड़ता है। क्या बोला गया, सभी जीवधारी को प्रचलन की आवश्यकता भोजन आवास और रक्षा के लिए पड़ती है दोस्तों। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाते, लेकिन उनकी पत्तियाँ अथवा फूल पत्तियां अथवा फूल जाती है, फूल गति करते हैं। फूलों का खिलना जड़ों का जमीन की ओर जाना उसकी गति को दर्शाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपसर्जन देखिए, सभी जीवों के शरीर में कोशिका उपापचय, सभी जीवों के शरीर में कोशिका उपापचय की फलस्वरूप अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है जिसका शरीर से बाहर
निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर में प्रोटीन के उपापचय के कारण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, जिसे यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में जल में विलय मूत्र के साथ उत्सर्जित किया जाता है दोस्तों। चलिए, मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित होने वाले प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, पीत और यूरिया है दोस्तों। क्या है? मनुष्य के शरीर में उत्सर्जित होने वाले प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, पीत है और यूरिया है दोस्तों। चलिए आठवां पॉइंट देखिए, प्रजनन रिप्रोडक्शन दोस्तों। जीव द्वारा अपने सदृश संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं में प्रजनन के ढंग अलग अलग हैं। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिससे शिशु निकलते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। चलिए देखते हैं नंबर पॉइंट, वृद्धि ग्रोथ। यह सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है जिससे कोई भी जीव सूक्ष्म रूप से उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे वृद्धि करके विशालकाय हो जाते हैं दोस्तों। उत्तेजनशीलता देखिए दसवां पॉइंट, उत्तेजनशीलता। यह सजीवों का ऐसा लक्षण है जिसमें जीवधारी बाहरी उद्दीपनों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जैसे छुई मुई को छूते ही पत्तियां मुरझा जाती है, गर्म वस्तु से हाथ लगते ही हाथ पीछे हट जाते हैं। देखिए आकृति, सजीव और निर्जीव के अंतर देखना है दोस्तों। आकृति देखिए, आकृति निश्चित होती है सजीव की दोस्तों, और कोई निर्जीव में देखिए, निर्जीव में क्या है? कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, एक ही वस्तु को कई आकृतियां होती है दोस्तों निर्जीव में। शारीरिक गठन देखिए, शारीरिक गठन दोस्तों, शारीरिक गठन कोशिका ऊतक और अंग तंत्रों से बना होता है सजीव में दोस्तों, और निर्जीव देखिए, निर्जीव में इसके आकार का गठन इन तत्वों से होता है। उसकी आधार देखिए, उसके आधार क्या? वो शरीर एक अथवा उनके कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में जीव दर पाया जाता है, कोशिका में क्या पाया जाता है साथियों? जीव दर। फिर देखिए निर्जीव में इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है दोस्तों। पोषण देखिए, पोषण प्रत्येक जीवधारी को अपनी शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। भोजन के पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण को पोषण कहते हैं। इसमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है निर्जीव में दोस्तों। श्वसन देखिए, सजीवों में श्वसन क्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें श्वसन क्रिया नहीं होती है निर्जीव में दोस्तों। संरचना एवं कोशिकीय आधार, सजीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका में जीवदर पाया जाता है, कोशिका में साथियों जीवदर पाया जाता है। इनकी संरचना कणों से अथवा विभिन्न भागों के जुड़ने से होती है, परंतु इसमें कोशिकीय संरचना नहीं पाया जाता है। उपापचय देखिए, इसमें रचनात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं होती है। इसमें रचनात्मक और विघटनात्मक क्रियाएं होती है। इनमें ऐसी क्रियाएं नहीं होती है निर्जीव में साथियों, ऐसी क्रिया नहीं होती है। उत्सर्जन देखिए, सजीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न बेकार एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अनिर्जीव में यह क्रिया नहीं होता है। गति देखिए, गति आपका सजीवों में आंतरिक कारणों से होता है। सजीवों में गति जो है आंतरिक कारणों से होता है और निर्जीवों में गति नहीं होती है, और यदि होती तो बाह्य शक्तियों के कारण होती है दोस्तों। उत्तेजना देखिए, उत्तेजना इसमें बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। उत्तेजन जो है दोस्तों, इनमें बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, इनमें इसका अभाव होता है। प्रजनन देखिए, प्रजनन दोस्तों सजीवों
अपने जैसे जीवों में उत्पन्न करते हैं। प्रजनन दोस्तों सजीव जो है अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, उसे हम सजीव कहते हैं। और इसमें क्षमता नहीं होता है प्रजनन करने की दोस्तों जो जीव में। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा जूम करते हैं साथियों। जीवों की विशेषताएं देखिए, पोषण सजीवों द्वारा खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में खाद निर्माण की प्रक्रिया है। प्रकाश उनमें बढ़ती गति प्रकाश की ओर जीवों की गति होती है दोस्तों, क्या प्रकाश में बढ़ती। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, श्वसन ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। यह भोजन के विघटन से ऊर्जा का उत्पादन करती है। दूसरा पॉइंट, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने प्रकार के नवजात को उत्पन्न करता है। सही बात है दोस्तों। अनुक्रियाशीलता सजीवों की अपने परिवेश में उद्दीपन और परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या करते हैं, अनुक्रियाशीलता। सजीवों को अपने परिवेश में उद्दीपन और परिवर्तन की अनुक्रिया करने की क्षमता कहते हैं दोस्तों। उद्दीपन वह है जो एक जीव से अनुक्रिया का उत्पादन करता है। परिवेश पर चर्चा करते हैं देखिए, परिवेश हो गया, परिवेश किसी जीव के इर्द गिर्द का स्थान जहाँ वह रहता है, उस जीव का परिवेश कहलाता है। इसे उदाहरण देखिए, समुद्री परिवेश, मरुस्थलीय परिवेश एग्जाम्पल है दोस्तों। समुद्री परिवेश पर चर्चा करते हैं हम लोग, समुद्र में रहने वाले जंतु और पौधे श्वसन के लिए जल में मिले वायु यानी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं समुद्री परिवेश में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए मरुस्थलीय परिवेश देखते हैं। देखिए ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के अनुकूल है। ऊंट में मूत्रसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, तब मल शुष्क होता है। आवास देखिए, आवास वह स्थान जहाँ एक जीव रहता है, उसे हम आवास कहते हैं, उसका आवास कहलाता है। स्थलीय आवास, स्थल अथवा जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे उदाहरण में है वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। जलीय आवास देखिए, जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के आवास को जलीय आवास कहते हैं। उदाहरण जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ और समुद्रीय जलीय आवास कहलाते हैं। देखिए आवास में दो घटक होते हैं, कौन कौन, एक जैविक जिसे सजीव कहते हैं, एक अजैविक जिसे निर्जीव कहते हैं। आवास में कितने घटक होते हैं, दो घटक दोस्तों, एक जैविक होता है जिसे हम सजीव कहते हैं और एक अजैविक होता है जिसे निर्जीव कहते हैं। सजीव जीवित घटकों में मानव और अपघटक सहित पादप और जंतु शामिल होते हैं। जैव घटक देखिए, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जैव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। पौधे एवं जंतु जैव घटक कहलाते हैं। और जैव घटक देखिए, और जैव घटक दोस्तों चट्टान हुआ, मिट्टी हो गया, वायु, जल और तापमान और प्रकाश। जल, वायु, मृदा किसी परिवेश के अजैव घटक कहलाते हैं। फिर से एक बार दोनों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। जैव घटक हो गया, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जैव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। जैसे अजैव घटक में हो गया चट्टान, मिट्टी, वायु, जल और तापमान, प्रकाश, जलवायु, मृदा किसी परिवेश के अजैव घटक कहलाते हैं। तो ये लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी, वायु और जल की आवश्यकता है दोस्तों। बीजों के अंकुरण के लिए आवास के आधार पर जंतु जलीय जल में रहने वाले और स्थलीय भूमि में रहने वाले, जलस्थलीय भूमि और जल दोनों में रहने वाले और वृक्षवासी किसे कहते हैं, पेड़ों पर रहने वाले हो सकते हैं। अब घटक
जीवाणु और कवक जैसे जीव हैं जो पादपों और जंतुओं की छाई के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। विषमपोषी जीव, विषमपोषी कैसा होता है, जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग विषमपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जंतु, पर्यावरण अनुकूलन देखते हैं, पादप और जंतु ऐसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें विशिष्ट आवास में जीवित रहने में सहायक होते हैं, इसे अनुकूलन कहा जाता है। परिस्थितिकी के अनुकूल ऐसी प्रथाओं को संदर्भित करता है जो किसी को प्राकृतिक संसाधनों के अवशेषों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। पर्यावरण अनुकूल ग्रीन घरों में अवशिष्ट घटाना, रिसाइकलिंग, स्थानीय और नवीकरणीय सामग्री का उपयोग, अक्षय ऊर्जा स्रोत का उपयोग और आवास के बेहतर तरीके के क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना। समान उदाहरण है जैसे कि हर कोई हरित पर्यावरण में योगदान कर सकता है। चूहे और सांप जैसे जंतु तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बीड़ों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो यह बाहर निकलते हैं। पर्यावरण अनुकूल का उदाहरण समझिए, मरुस्थली पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी सूल जैसी होती है दोस्तों, मतलब नुकीली होती है, सूल मतलब नुकीली दोस्तों। नागफनी, दूसरा पॉइंट देखिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण हरी संरचना जिसे तना कहते हैं उसमें होता है। नागफनी का तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। मोटी मोमी परत पौधे को जल संचरण में सहायता करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्योर एनसीईआरटी अनुसूची, तीसरा पॉइंट देखिए, मरुस्थलीय पौधे में जड़ें बहुत गहरी होती है। मरुस्थलीय पौधे में जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत अधिक गहराई तक चली जाती है दोस्तों। चौथा पॉइंट देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं तथा इसकी शाखाएं तिरछी होती है। उनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में। पांचवा पॉइंट देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की मोटी त्वचा या फर ठंड से इनका बचाव करते हैं। याक देखिए दोस्तों, याक के शरीर पर लंबे बाल होते हैं जो उसे गर्म रखते हैं और ठंडे से बचाते हैं। सातवां पॉइंट, पहाड़ी बकरों के मजबूत खुरों उसे ढाल और चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं पहाड़ी बकरी दोस्तों। नंबर आठवां पॉइंट देखिए, पहाड़ी तेंदुआ शरीर पर फर होते हैं या बर्फ पर चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाती है। नंबर पॉइंट देखिए, पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए हिरण के मजबूत दांत होते हैं। दसवां पॉइंट देखिए, हिरण के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। दूसरे इसके सिर के पार्श्व के दोनों ओर स्थित आँखें प्रत्येक दिशा में देखकर इसे खतरा महसूस कराती है। इसे एक बार पढ़ा जाए दोस्तों, हिरण के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं और दूसरे इसके सिर के पार्श्व के दोनों ओर स्थित आँखें प्रत्येक दिशा में देखकर इसे खतरा महसूस कराती है। ग्यारह पॉइंट देखिए, मछली गिल्स की सहायता से सांस लेती है क्योंकि मछली में फेफड़ा नहीं होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पॉइंट पर चलते हैं। बारह पॉइंट देखिए, डॉल्फिन और व्हेल गिल्स नहीं होते हैं या सिर पर स्थित नासा द्वारा अपना वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं दोस्तों। तेरह पॉइंट देखिए, मेढक के पश्चात जाल युक्त पदांगुनिया होती है जो उसे तैरने
में सहायता करती है। 14वां पॉइंट देखिए, केचुआ नम त्वचा द्वारा सांस लेता है। केचुआ जो दोस्तों नम त्वचा द्वारा सांस लेता है। 15वां पॉइंट देखिए, मछली जल में विलय वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करती है दोस्तों। 16वां पॉइंट देखिए, पौधों की पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है तथा ऑक्सीजन का प्रयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है दोस्तों। चलिए हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर में दोस्तों भोजन के स्रोत हैं। चलिए, भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि काय और शरीर के विभिन्न अंगों की मरम्मत और जीवन क्रियाओं को संचालन हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पौधों से ही प्राप्त होता है। भोजन शरीर के विकास व वृद्धि तथा ऊर्जा देने के कार्य करते हैं। भोजन मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होता है। पादप स्रोत, पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला भोजन को पादप स्रोत कहते हैं, जैसे अनाज फल। और दूसरा देखिए, जंतु स्रोत, जंतु से प्राप्त होने वाले भोजन को जंतु स्रोत कहते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडा, शहद आदि दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। पौधों तथा खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग होने वाले उसके भाग देखिए, उसके भाग, खाए जाने वाले भाग और पौधों का नाम। बीज का हम लोग क्या खाते हैं? बीज में दोस्तों धान खाते हैं, गेहूं खाते हैं, दाल खाते हैं, सभी अनाज और काजू, चना, मक्का, मेथी खाते हैं बीज में दोस्तों। पुष्पासन और बीज में देखिए धनिया खाते हैं, पुष्पासन और बीज के धनिया। और फूल में देखिए किसे खाते हैं? फूल हो गया गुलाब, फूलगोभी, सीताफल, कचनार, सोहजन, ब्रोकली, केला। अब फल में देखिए दोस्तों, आम हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर दोस्तों। फल और फूल में देखिए क्या होगा? सीताफल, केले के पौधे, फूल का उपयोग सब्जी के रूप में होता है दोस्तों, केले के पौधे में। चलिए पत्तियां देखिए, पत्तियां में पालक, बंद गोभी, सरसों और बथुआ, मेथी, मूली, चना दोस्तों, इसका हम लोग पत्तियां खाते हैं। क्या खाते हैं? पत्तियां। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। पत्तियां एवं बीज दोस्तों, इसमें हम लोग मेथी खाते हैं और मूली खाते हैं पत्तियां तथा बीज का। तना में देखिए आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, हल्दी खाते हैं और गन्ना खाते हैं। जड़ में देखिए गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद, चुकंदर, सलजम, सबका हम लोग जड़ खाते हैं। परिदल पूंज देखिए अनानास का परिदल पूंज खाते हैं। भ्रूण पूंज दोस्तों नारियल का खाते हैं। और समूचा फल दोस्तों भिंडी का खाते हैं। फल वृत्ति और बीजांशन देखिए दोस्तों, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, अंगूर हो गया, अमरूद हो गया, क्या हुआ? फल वृत्ति एवं बीजांशन हो गया। बीजांशन में हम लोग बेल खाते हैं। बीजांशन में सहपत्र, परिदल एवं बीज दोस्तों क्या हुआ? कटहल हुआ दोस्तों। मैद एवं अंतर वृत्ति दोस्तों ये क्या हुआ? केला और तरबूज हुआ दोस्तों, केला और तरबूज दोस्तों। मैद फल वृत्ति क्या आएगा दोस्तों? इसमें पपीता है और इमली को खाते हैं मैद फल वृत्ति दोस्तों। गुदेदार पुष्पासन में हम लोग क्या खाते हैं? सेब और नाशपाती दोस्तों, बीबीआई है दोस्तों, बारह पूछा जाता है। बीजपत्र और भ्रूण में क्या खाते हैं? मूंगफली, चना दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए बीजपत्र और भ्रूण में खाते हैं मूंगफली और चना दोस्तों। बीजपत्र और भ्रूण में क्या खाते हैं? मूंगफली और चना। गुदेदार पुष्पासन में सेब और नाशपाती खाते हैं। मैद फल वृत्ति में पपीता और इमली खाते हैं। मैद एवं अंतर वृत्ति में दोस्तों केला और तरबूज खाते हैं। सहपत्र में दोस्तों परिदल और बीज खाते हैं कटहल का। दोस्तों बीजांशन में आप खाते हैं बेल का दोस्तों। फल वृत्ति में बीजांशन में टमाटर व बैंगन व अंगूर व अमरूद हुआ दोस्तों। समूचा फल में हम लोग क्या खाते हैं? भिंडी खाते हैं। भ्रूण पोष में हम लोग क्या खाते हैं? नारियल खाते हैं भ्रूण पोष दोस्तों। परिदल पूंज में खाते हैं अनानास को,
जड़ के रूप में गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, शकरकंद खाते हैं, चुकंदर, शलजम। और तना में आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी और गन्ना दोस्तों लोग तना खाते हैं। पत्तियां और बीज में दोस्तों मेथी खाते हैं, मूली खाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए भोजन के आधार पर जीव के प्रकार, भोजन प्राप्त करने के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, देखिए शाकाहारी किसे बोलते हैं, वेजिटेरियन। ये जीव केवल पौधों एवं पौधों के किसी भाग को खाते हैं, जैसे उदाहरण में हुआ गाय, बैल, हिरण, बकरी आदि दोस्तों। सर इसका हम लोग ये सब जो जानवर है क्या खाते हैं, शाकाहारी जीव है दोस्तों, केवल शाकाहारी भोजन करते हैं। दूसरा देखिए मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन दोस्तों। ये जीव जानवरों के मांस को खाते हैं, जैसे उदाहरण में हो गया शेर, बाघ, लोमड़ी, तेंदुआ, मेढक, छिपकली दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज में दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर दिया गया दोस्तों, हम आप सभी से सभी चैप्टर बाय चैप्टर करवा देंगे दोस्तों। चील आदि दोस्तों, ये जानवर जानवरों का शिकार करके खाते हैं। गिद्ध सिर्फ मरे हुए जानवरों को खाते हैं दोस्तों, इसलिए इसे मृतोपजीवी स्पेरोफाइट कहते हैं। अन्य मृतोपजीवी है जिसे सियार, जीवाणु, कवक आदि दोस्तों। सर्वाहारी देखिए दोस्तों, ओमनिवोरियस में कौन कौन है, ये वे जीव हैं जो शाकाहारी भी होते और मांसाहारी भी होते हैं, जैसे उदाहरण में मनुष्य, कौवा, बिलारी, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली, ये सब सर्वाहारी माता है दोस्तों। मनुष्य एक सर्वाहारी है, वह साग सब्जी के साथ साथ मांस भी खाता है। मनुष्य पौधों के अलग अलग हिस्सों को खाता है, मनुष्य जो है पौधों के अलग अलग हिस्सों को खाता है। मनुष्य के दांत ऐसे होते हैं जिसमें वह काट, फाड़, पीस और चबा सकता है सब्जियों। जानवरों के मुंह का आकार दांतों की बनावट इस तरह की होती है जिससे वे आसानी से अपना भोजन प्राप्त कर सके। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह आसानी से घास भूसा सुरख सके, और पीछे के दांत बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं जिससे वह आसानी से चबा सके। कुत्ते और बिल्ली, शेर, बाघ आदि के दांत ऐसे होते हैं जिससे वे मांस को फाड़ और काट सके। हॉर्नबिल दोस्तों, हॉर्नबिल की चोंच ऐसी होती है जिससे वह फल और कीड़े मकड़ों को खा सके। बगुले की चोंच ऐसी होती है जिससे वह जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े फल आदि को खा सके। कौवे की चोंच ऐसी होती है जिससे वे सभी तरह के भोजन को खा सके। सांप के दांत होते हैं, वह अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। चलिए हम लोग आगे चैप्टर है दोस्तों, भोजन के अवयव का कौन सा चैप्टर है, भोजन के अवयव दोस्तों। चलिए हम लोग भोजन के अवयव पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए भोजन में हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास और वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। भोजन बनाने में जिन जिन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसे हम भोजन का संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन का संघटक। भोजन के अवयव देखिए घटक, भोजन की उत्कृष्टता उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। ये पौष्टिक तत्व ही भोजन के अवयव होते हैं। पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं जो भोजन में अवशोषित होकर हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। पौष्टिक तत्वों को सामान्यतः वृहद पौष्टिक तत्वों एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों से विभाजित किया जाता है दोस्तों। वृहद पौष्टिक तत्व आहार ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व
पानी वृहद पौष्टिक तत्व है दोस्तों, पानी जो आपका है वृहद पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आता है साथियों। सूक्ष्म पोषक तत्वों में विटामिन विटामिन और वसा दोनों घुलनशील है सूक्ष्म पोषक तत्व में दोस्तों, और आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व शामिल होते हैं। इन पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, क्रियात्मक क्षमता और उत्पादकता के लिए बुनियादी मूलभूत जरूरत है दोस्तों। पोषक के भोजन के पोषक तत्व देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका पहला नंबर, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण दोस्तों। जल एवं रुक्षांश ये हमारे शरीर में अल्प मात्रा में रहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट पर हम लोग चर्चा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं। इन तीनों तत्व का अनुपात कार्बोहाइड्रेट में सामान्यतः 1:2:1 होता है दोस्तों, 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने और ऑर्थोपोडा में बाह्य कंकाल बनाने और पौधे में कोशिका भित्ति के निर्माण और अनुवांशिक पदार्थ के निर्माण का कार्य करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन करने पर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है तथा ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देने का कार्य करता है। ऑक्सीजन से मिलकर क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे ऊर्जादायक पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जादायक पोषक तत्व दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार, तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन है सो देखिए, शर्करा है, स्टार्च है और सेलुलोज है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार, कौन कौन, शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज दोस्तों। शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज, शर्करा एवं शुगर बोलते हैं। शर्करा को ही हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, शुगर बोलते हैं। पहला देखिए, यह एक सरल कार्बोहाइड्रेट, कैसा कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका स्वाद मीठा होता है, जिसे ग्लूकोज हो गया, आपका गन्ना हो गया, दूध हो गया, फलों में शुगर होता है दोस्तों। सबसे मीठा शर्करा आपका फ्रक्टोज है दोस्तों, कौन है, फ्रक्टोज, जो शहद में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, स्टार्च एवं मंद दोस्तों, स्टार्च को हम लोग मंद कहते हैं। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कैसा है, जटिल कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। स्टार्च जो है मंद, यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। यह एक स्वादहीन सफ़ेद पाउडर है, कैसा है, स्वादहीन सफ़ेद पाउडर, स्टार्च दोस्तों, जिसे गेहूँ, मक्का, आलू और चावल में स्टार्च होता है दोस्तों। किसमें स्टार्च पाया जाता है, गेहूं, मक्का, आलू, चावल और चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ जाते हैं। किसी पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए तनु आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं, जिससे पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है, जिससे हम लोग स्टार्च की उपस्थिति बताते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, सेलुलोज, सेलुलोज या पादपों की कोशिका भित्ति होती है। पादपों कैसी होती है, कोशिका भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलोज। या एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, कैसा कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य का पाचन तंत्र सेलुलोज का पाचन करने में अक्षम होता है। आलू, फल और अनाज, शकरा, रोटी, दूध आदि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के साथ में। ग्लूकोज के 1 ग्राम ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 2 से 4 किलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए धावक शरीर से ग्लूकोज का सेवन करता है, इसलिए धावक शरीर में ग्लूकोज का सेवन करता है दोस्तों। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने से ग्लाइकोजी के रूप में परिवर्तित होती है। यह यकृत में संचित रहता है, कहाँ रहता है, संचित, यकृत में साथ में। हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होने पर वसा में परिवर्तित हो जाता है, तब मांसपेशियों में संचित होता है, जिसके कारण व्यक्ति मोटापा आ जाता है दोस्तों। जैसे देखा जाएगा
क्या बोला गया, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक होने पर वसा में परिवर्तित हो जाता तथा मांसपेशियों में संचित होता है, जिसके कारण व्यक्ति में मोटापा आ जाता है। दोस्तों दूसरा देखिए फैट, फैट देखिए यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। कैसा यौगिक? कार्बनिक, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अनिश्चित अनुपात में पाया जाता है। साथ में ये जल में अभिलय एवं एसीटोन बेंजीन और क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होता है। वसा ग्लिसरॉल वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। क्या होता है? वसा ग्लिसरॉल तो वसीय अम्ल का एस्टर होता है। जंतु वसा अर्ध ठोस होता है, जबकि वनस्पति वसा तरल रूप में होता है। देखिए घी मक्खन बादाम पनीर अंडा मांस सोयाबीन वनस्पति तेल के तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं दोस्तों। यह कोशिका दर्म और कोशिका कला आदि में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वसाएं ऊर्जा उत्पादन, शरीर के निश्चित ताप को बनाए रखने और कोशिका कला के निर्माण आदि कार्य का कार्य करती है दोस्तों। ये एक व्यस्क प्रतिदिन लगभग 35 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। एक व्यस्क व्यक्ति में प्रतिदिन कितने ग्राम की वसा की आवश्यकता होती है? 35 ग्राम दोस्तों। चलिए हम लोग आगे पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर में आंतरिक ऊर्जा हमारे शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा को वसा कहते हैं। वसा के रूप में जमा कर लिया जाता है। जब शरीर को आंतरिक ऊर्जा की जरूरत होती है तो शरीर वसा का इस्तेमाल करता है, इसलिए वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक भी कहा जाता है। विटामिन देखिए ए डी ई और के अवशोषण के लिए वसा का होना जरूरी होता है। वसा के कारण शरीर में ऊष्मा के ह्रास की रोकथाम होती है। वसा के कारण शरीर से ऊष्मा के ह्रास की रोकथाम होती है। वसा की जांच के लिए पदार्थों को कागज में रखने पर तेल का धब्बा पड़ जाता है। क्या बोला गया? वसा की जांच के लिए पदार्थों को कागज में रखने पर तेल का धब्बा पड़ जाता है दोस्तों। देखिए वसा की अधिकता होने पर मोटापे की समस्या, रक्तदाब बढ़ जाना, हृदयघात रोगों की समानता उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। वसा की कमी से त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज की ओर देखिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय में कमी, शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी। देखिए दोस्तों, संतुलन भोजन के बारे में अज्ञानता, प्रति व्यक्ति भोजन की कम उपलब्धता। फिर देखिए उत्पादन में व आय में कमी, कार्य क्षमता में कमी, फिर आपका हो जाएगा पोषक स्तर में गिरावट, स्वास्थ्य का बिगड़ना और बढ़ना दोस्तों, व्यक्ति से रोग ग्रसित होना। देखिए इस तरह से चला उधर से अंत हुआ दोस्तों। व्यक्ति का रोग ग्रस्त कैसे होता है? स्वास्थ्य का बिगड़ना हो गया पहले, भोजन और स्वास्थ्य के अंतर संबंध। देखिए व्यक्ति का रोग ग्रसित होना स्वास्थ्य का बिगड़ना, पोषक स्तर में गिरावट, फिर कार्य क्षमता में कमी, फिर उत्पादन व आय में कमी, फिर शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय कमी कारण, असंतुलित भोजन के बारे में अज्ञानता, प्रति व्यक्ति भोजन कम उपलब्धता दोस्तों, फिर होता है शरीर में कार्य क्षमता में कमी, फिर आपका वृद्धि व विकास में रुकावट, फिर आपका प्रदूषित वातावरण, फिर व्यक्ति का जल्दी संक्रमण होना। ये चक्र है दोस्तों भोजन और स्वास्थ्य के अंतर संबंध में। तीसरा पॉइंट देखिए प्रोटीन है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वर्जिलियस ने किया था दोस्तों। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। यह 20 एमिनो
अम्लों से मिलकर बने हैं होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। मानव शरीर का जो 20% भाग है दोस्तों, 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है, इसलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन के स्रोत दूध, अंडे और सफ़ेद भाप, मछली, पनीर, सोयाबीन, मूंग दाल, मशरूम, इसे प्रोटीन के स्रोत हैं दोस्तों। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य शरीर की मरम्मत एवं ऊतकों की वृद्धि करना होता है, परंतु यह विशेष परिस्थितियों में ऊर्जा भी देने का कार्य करती है। इसलिए प्रोटीन को शरीर में वृद्धि वाला भोजन कहा जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की विकास वृद्धि, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करता है, इसलिए इसे शरीर वर्धक पोषक तत्व कहा जाता है। वे जैव उत्प्रेरक, जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, जो अनुवांशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। शारीरिक प्रोटीन के कार्य देखिए दोस्तों, एंजाइम के अंदर जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होते हैं। हार्मोन के शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं, कौन करता है? एंजाइम दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है परिवहन में प्रोटीन। हीमोग्लोबिन हो गया, विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। चौथा संरचनात्मक प्रोटीन दोस्तों, कोशिका ऊतक निर्माण करता है, कोशिका का ऊतक निर्माण करता है। पांचवा है रक्षात्मक प्रोटीन दोस्तों, संक्रमण से रक्षा करने में सहायक है दोस्तों। छठा है संकुचन प्रोटीन, या पेशी संकुचन एवं चलन हेतु उत्तरदायी है दोस्तों। उदाहरण है मायोसिन, एक्टिन आदि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे थोड़ा घसकाते हैं दोस्तों। प्रोटीन की कमी में उत्पन्न रोग देखिए, प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासियोरकर नाम बीमारी होती है। इस रोग में बच्चे के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं, पेट बाहर की ओर निकल जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चे में मेरामसनी नामक बीमारी होती है। इसमें बच्चे के शरीर में मांसपेशियां ढीली हो जाती है दोस्तों। खनिज लवण देखिए, मिनरल साल्ट धातु हो गया और धातु हुआ, उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। ये हमारे शरीर का लगभग 6.1% भाग बनाते हैं, खनिज लवण शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ है। एंजाइम और विटामिन के आवश्यक अंग हैं दोस्तों। खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ तत्व मेजर इलामेंट्स, इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए अल्प तत्व माइनर इलामेंट्स, इन तत्वों को शरीर को बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है। अल्प तत्व दोस्तों, जैसे उदाहरण में सोडियम हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्लोरीन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया दोस्तों, और सिलेनियम हो गया, इसकी बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है शरीर में। खनिज पदार्थों उनके मुख्य स्रोत और कमी होने वाले रोग दोस्तों देखें, कैल्शियम से दोस्तों खनिज लवण स्रोत और कमी के प्रभाव। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम दूध से प्राप्त होगा बॉडी में, पनीर से, हरी सब्जियां से, और इसकी कमी से क्या हुआ? दांत व हड्डियों दुर्बल और शरीर वृद्धि और कुंठित तथा टिटनी हो जाएगा, टेढ़ा-मेढ़ा हड्डी हो जाएगा दोस्तों, उसे टिटनी कहते हैं। फॉस्फोरस देखिए, दूध हो गया, मांस और अनाज से आपका फॉस्फोरस शरीर में जो कमी है वो पूरा हो जाएगा, और इसकी कमी से क्या होगा? दांत और हड्डियों दुर्बल, कायिक कार्य की कुंठित होगा दोस्तों। गंधक से आपका देखिए, गंधक किससे पूरा होगा? अंडे से, मांस से, पनीर से, मछली से, सेम से दोस्तों। प्रोटीन की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ हो जाएगा दोस्तों। पोटेशियम देखिए, शरीर में पोटेशियम किससे पूरा करेगा? मांस से, पोटेशियम में पूरा हो जाएगा, दूध भी हो जाएगा, दूध से, अनाज से, फल से और सब्जियां से दोस्तों। निम्न रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता हो जाता है दोस्तों इसकी कमी से। सोडियम की कमी से क्या हुआ? खाने वाला नमक है दोस्तों। निम्न रक्तचाप, भूख की कमी तथा पेशियों की ऐठन दोस्तों सोडियम की कमी से होता है।
मैग्नीशियम की कमी दोस्तों अनाज और हरी सब्जियां मैग्नीशियम की कमी को पूरा करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तंत्रिका तंत्र की कार्य की कार्य की प्रभावित होता है दोस्तों मैग्नीशियम से। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए जिंक से क्या हुआ, जिंक की कमी से आपका जिंक को जब बॉडी में जिंक कमेगा दोस्तों किससे पूरा होगा, दूध खाइएगा उससे पूरा हो जाएगा, अंडे से होगा, मांस से होगा, समुद्री भोजन से होगा दोस्तों। और फिर इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कुंठित वृद्धि, रुधिर छिन्नता और खुदरी त्वचा हो जाता है दोस्तों। जिंक की कमी से खुदरी त्वचा होता है। चलिए लोहा देखिए, लोहा की कमी से कौन सा होता है, कैसे पूरा करेंगे लोहा के, लोहा को शरीर में मांस खाएंगे, अंडे खाएंगे, फलियाँ खाएंगे, हरी सब्जियाँ खाएंगे तो हम हमारे शरीर में लोहा पूरा हो जाएगा दोस्तों। लोहा की कमी जो हुआ वो पूरा जो हुआ, इसकी कमी से रोग क्या होता है, रुधिर छिन्नता होगा, एनीमिया होगा, शरीर का रक्षा तंत्र दुर्बल होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आयोडीन देखिए, आयोडीन से आयोडीन में से दोस्तों दूध, समुद्री भोजन एवं नमक, आयोडीन अगर शरीर में कमा तो दूध खाइए, समुद्री भोजन एवं नमक कीजिए, जिससे इसके कमी से घेंगा और गलकन और गनमाला ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है दोस्तों। तांबा से कमी कहाँ से पूरा होगा, मांस से होगा, मेवा से होगा, हरी सब्जियां से तांबा कमी होगा तो शरीर पूरा कर लेगा दोस्तों ये सब चीज़ खाइएगा तो। और इसकी कमी से जो बीमारी होता है वो होता है रुधिर छिन्नता, रुधिर वाहिनियाँ और दुर्बलता दोस्तों। मैग्नीज से देखिए क्या होगा, अनाज अनाज खाइए तो मैग्नीज की पूरा हो जाएगा, हरी सब्जियाँ और फल, इसकी उपस्थिति से इसकी अगर कमेगा इसकी मात्रा दोस्तों तो उपस्थिति अस्थि तथा संयोजी ऊतकों की वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट जल पर चर्चा करते हैं, वाटर पर दोस्तों। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, जल कैसा पदार्थ है, अकार्बनिक, और मानव शरीर का 60-70% भाग बनाता है दोस्तों। यह पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रण करता है तथा पाचन और परिवहन और उत्सर्जन में सहायक होता है। यह अपने आयनों में विघटित होकर रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है दोस्तों। जल की कमी से निर्जलीकरण, जल की कमी से निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है दोस्तों। छठा पॉइंट रुक्षान देखिए, रफ, यह कुछ भोज पदार्थों में पाए जाने वाला तंतुमय पदार्थ है, फाइबर से फाइबर मिनरल से दोस्तों। यह कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में मिलाया जाता है। इसका मुख्य स्रोत है सलाद, अनाजों की बाह्य परत, सब्जियां, दलियां आदि दोस्तों। संतुलित आहार देखिए, आहार जिनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में तथा अनुपात में जल और रुक्षांश के साथ संतुलित आहार कहलाते हैं। एक संतुलित आहार वह है जिसमें भोजन के सभी घटक सही मात्रा में तथा अनुपात में उपस्थित हो। दूध संपूर्ण संतुलित आहार माना जाता है दोस्तों, संपूर्ण संतुलित आहार का हिस्सा दूध है दोस्तों। भोजन पिरामिड देखिए दोस्तों, भोजन पिरामिड या खाद्य पिरामिड संतुलित भोजन की एक प्रकार की अवधारणा है, जिसका चित्रण खाद्य पदार्थों को पिरामिड के रूप में दर्शाकर दिया जाता है दोस्तों, दर्शाकर किया जाता है। भोजन पिरामिड को 4 स्तरों में बांटा गया और हर स्तर में विभिन्न खाद्य समूह होते हैं, वे इस प्रकार देखिए, अनाज, दाल, मोटा अनाज, बाजरा दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, फल है, सब्जियां हैं। तीसरा हम देखिए, दूध है, दूध से बने उत्पाद, अंडे, मांस, मछली और एक्सेट्रा दोस्तों। चौथा पॉइंट देखिए, तेल है, फैट, तेल और फैट, मेवे और बीज है दोस्तों। ये लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट देखिए, विटामिन है, विटामिन पर हम लोग चर्चा करते हैं। विटामिन की खोज दोस्तों केसी मीर फंक फुक ने 1911 में किया था दोस्तों। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक है, प्रतिक्रियाओं के नियमों के लिए अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। विटामिन जटिल कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए विटामिन आवश्यक है दोस्तों। घुलनशील के आधार पर विटामिन के प्रकार, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ए, वसा में कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन ई है, विटामिन के और ए है दोस्तों।
विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होता है। तथापि विटामिन डी और के संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। डी और के विटामिनों के खोजकर्ता देखिए, विटामिन ए हो गया, विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलन है, विटामिन बी के खोजकर्ता भी मैकुलन है, और विटामिन सी के खोजकर्ता होलकट है, विटामिन डी के खोजकर्ता हॉपकिंस है दोस्तों, डी के हॉपकिंस। चलिए विटामिन बी 12 को हम लोग कोबाल्ट कहते हैं, विटामिन बी सी को सी ऐसा विटामिन है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाता है दोस्तों। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को अब विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति यानी पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल इग्रेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषण होता है तथा वहाँ से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता, लेकिन दो ऐसे विटामिन हैं ए और डी जिसका निर्माण हमारे शरीर यकृत में होता है। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट को चलिए विटामिन ए देखिए। विटामिन में के रासायनिक नाम और स्रोत और उनकी कमी से होने वाला रोग देखिए दोस्तों। विटामिन है, रासायनिक नाम है, स्रोत है, कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। विटामिन ए आपका रेटिनोल, रासायनिक नाम है, इसका स्रोत है अंडा, पनीर, हरी सब्जी, दूध, मछली का तेल। इसकी कमी दोस्तों रतौंधी होगा, त्वचा का शुष्क पड़ जाना दोस्तों विटामिन ए की कमी से होगा दोस्तों। अभी हम लोग थोड़ा पेन को चेंज करते हैं। विटामिन B1 की कमी से दोस्तों आपका थायमिन होगा, और ये अनाज के छिलके और दाल, तिल और सब्जियां के कमी स्रोत से पूरा होगा दोस्तों। इसकी कमी से बेरी बेरी और भूख ना लगना दोस्तों बीमारी उत्पन्न होगा दोस्तों। विटामिन B2 दोस्तों ये राइबोफ्लेविन को कहते हैं हम लोग, इसकी स्रोत है दूध है, हरी सब्जियां खाइए, खमीर मांस खाइए, ये सब खाने से आपका विटामिन B2 कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और इसकी कमी से जीभ में सूजन, मुंह जीभ में सूजन और मुख की त्वचा और होठों का फटना दोस्तों। विटामिन B3 की कमी से देखिए पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B3 को क्या कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से मांस, हरी सब्जी खाइए, दूध खाइए, अंडे खाइए, गन्ना खाइए, टमाटर खाइए, तब आपका ये पूरा होगा। इसकी कमी से आपका डायरिया होता है, मानसिक और संतुलन बिगड़ जाता है दोस्तों विटामिन B3 से। विटामिन B5 से दोस्तों आपका हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल, ये होता है दोस्तों ये नियासिन। विटामिन B5 को हम लोग नियासिन कहते हैं। आगे विटामिन B6 को देखते हैं, पायरोडॉक्सिन कहते हैं विटामिन सिक्स को। ये है दूध, कलेजी खाने से पूरा होगा, हरी सब्जियां खाएंगे तब पूरा होगा। इसकी कमी से एनीमिया होता है, विटामिन B6 से वृद्धि कम होना, शिशु के शरीर में ऐठन दोस्तों। विटामिन B7 से दोस्तों निकोटिक अम्ल, इसकी रसायन नाम क्या है निकोटिक अम्ल दोस्तों। इसे किसको खाने से पूरा होगा, दूध मांस और यकृत और अंडा खाएंगे तो पूरा हो जाएगा विटामिन B7। इसे पेलाग्रा रोग उत्पन्न होता है दोस्तों। विटामिन B12 दोस्तों साइनोकोबालमिन कहते हैं, इसकी कमी से यकृत, मांस और दूध खाइएगा तो पूरा होगा। इसकी कमी से संगागित और रक्तता हो जाता है दोस्तों। विटामिन सी देखिए एस्कर्बिक अम्ल है, ये टमाटर, खट्टा, संतरा पदार्थ, मिर्च और अंकुरित अनाज, आलू खाने से विटामिन सी पूरा होता है दोस्तों। एस्कर्बी रोग, हड्डियों का कम विकास, मसूड़े से खून बना होता है, इसकी कमी होगा तो रोग उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों। विटामिन बी से देखिए आपको कैल्सिरोल होता है, विटामिन डी को क्या कहते हैं कैल्सिफेरॉल। इसकी कमी को पूरा करना है तो मक्खन खाइए, मांस मछली खाइए, यकृत खाइए, अंडे की जर्दी खाइए, सूर्य का प्रकाश में बैठिए, तब इसकी कमी से आपको रिकेट्स हो जाएगा, दांतों का विकास ना होना, दंत क्षय भी हो सकता है दोस्तों, हड्डी भी कमजोर हो जाता है जिससे रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ई दोस्तों टेकोफेरॉल से होता है, विटामिन ई का सही नाम क्या टेकोफेरॉल। इसकी कमी से आपको इसकी कमी को पूरा करने के लिए दूध खाना है, मक्खन खाना है, हरी सब्जियां और तेल और कलेजी खाना है, जिससे आपका ये विटामिन कमी पूरा हो जाएगा दोस्तों। या अगर इसकी कमी होगी तो आप बांझपन और एनीमिया का शिकार हो जाएंगे। विटामिन के से दोस्तों इसका रासायनिक नाम नेप्थेक्विनिन है, क्या है
सुनिए दोस्तों, ये टमाटर और हरी सब्जी खाने से पूरा होगा दोस्तों, और इसकी कमी से रक्त स्कंद रक्त नहीं जमेगा दोस्तों, इसकी कमी अगर होगा दोस्तों। फोलिक अम्ल किसे कहते हैं हम लोग, तेराई ग्लूमेटी कहते हैं, क्या कहते हैं, तेरोई ग्लूमेटी कहते हैं। इससे दाल अंडा और यकृत और सेम सब्जियां खाना है दोस्तों पूरा करने के लिए फोलिक अम्ल को। इसलिए हम लोग नया चैप्टर चालू करते हैं, तंतु के तंतु से वस्त्र दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तंतु एक प्रकार के रेशे होते हैं जिससे टांगे या धागे बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु, जो तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जैसे कपास हो गया, रुई हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया और ऊन हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है जंतुओं से प्राप्त तंतु, जैसे रेशम हुआ, ऊन हुआ दोस्तों, ये सब जंतुओं से प्राप्त तंतु है। पादपों से प्राप्त तंतु कौन कौन है, रुई है, कपास है, जूट है और पर्सन, तो ये सब पादप से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, संश्लेषित तंतु कौन सा होता है, रासायनिक पदार्थों से बनाए गए तंतुओं को संश्लेषित तंतु कहते हैं। देखिए पॉलिस्टर है, नायलोन है, एक्रिलिक है और रेयन दोस्तों, ये सब क्या है, संश्लेषित तंतु का उदाहरण है दोस्तों। संश्लेषित तंतु किसे कहते हैं हम लोग, संश्लेषित तंतु किसे कहेंगे, पॉलिस्टर को कहेंगे, नायलोन को कहेंगे, एक्रिलिक रेयन को कहेंगे, सब है संश्लेषित तंतु साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जूट और पटसन पर चर्चा करते हैं। पटसन के तंतु से प्राप्त किया जाता है, यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है तथा यह बरसात के दिनों में बोया जाता है। सर्वाधिक जूट की खेती बांग्लादेश, भारत में, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार आदि राज्यों में एवं बिहार के दरभंगा, मधेपुरा, मधुबनी, कटिहार, सहरसा और सुपौल और खगड़िया आदि जिले में होती है दोस्तों। इसे पुष्पन अवस्था कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, पुष्पन अवस्था में काटते हैं, पुष्पन के अवस्था में इसे काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात इसके तनों को कुछ दिन तक जल में डुबो कर रखते हैं, जिससे इसके तने गल जाते हैं और तंतुओं को तने से आसानी से अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए तंतुओं को टांगों में परिवर्तित किया जाता है और फिर उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। व्यापारिक क्षेत्रों में इसे भूरा सोना के नाम से जाना जाता है, व्यापारिक क्षेत्रों में दोस्तों। जूट का उपयोग रस्सी, बोरा, मेजपोश, सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। कपास के बारे में करते हैं, कॉटन के बारे में लोग चर्चा करते हैं। यह वस्त्र उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाली सबसे प्राचीन लोकप्रिय फसल है दोस्तों, कॉटन, कपास इसे बोलते हैं। कपास के पौधे सामान्यतः काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं दोस्तों। कपास उत्पादन विश्व स्तर पर प्रथम स्थान चीन तथा द्वितीय स्थान भारत का है दोस्तों, प्रथम चीन है, दूसरा भारत है। हमारे देश में कपास खेती सामान्यतः महाराष्ट्र प्रथम पर है, फिर दूसरा गुजरात दूसरा स्थान है, फिर पंजाब है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है आदि राज्यों में होती है दोस्तों। कपास का उत्पादन बहुत लिबिया है दोस्तों, बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए। कपास से रुई प्राप्त की जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में कपास को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कपास से क्या प्राप्त किया जाता है, रुई दोस्तों, और औद्योगिक क्षेत्र में से हम लोग क्या कहते हैं, कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं। कपास नकदी एवं खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। कपास ओटना दोस्तों, कपास ओटना क्या है, कपास से उनके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहलाती है। कपास ओटने का कार्य कंकन तन विधि द्वारा किया जाता है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कपास के उपयोग देखिए, कपास के धागे से कई प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास से विशेष प्रकार के कागज बनाए जाते हैं दोस्तों। कपास से गोन कॉटन नामक बारूद बनाया जाता है, क्या बारूद बनाया जाता है, गोन कॉटन बारूद बनाया जाता है। कपास से गद्दे, रजाई, तकिया, कुशन आदि बनाए जाते हैं। रेशम देखिए, सिल्क,
रेशम रसायन की, रेशम जो रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात झिल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है दोस्तों रेशम। रेशम सिल्क मौत नामक कीट से प्राप्त है, रेशम सिल्क जो है मौत नामक कीट से प्राप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पदार्थों पर फलते हैं। रेशम कीट जो है दोस्तों कुछ विशेष खाद्य पौधों पर फलते हैं तथा उसमें जीवन, उसमें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र चार चरणों, जैसे अंडा हुआ एग कहते हैं पहले, फिर झिल्ली इल्ली जिसे कैटरपिलर कहते हैं, फिर प्यूपा हुआ, बार बार पूछा जाता है एग्जाम दोस्तों, सलग मौत से निर्मित होता है। रेशम से प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र को कोकून कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोकून के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का तंतु सिल्क निकाला जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। साथ में कच्चा रेशा बनाने के लिए रेशम की कीटों को पालन सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। क्या बोला गया? कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम कीट का जीवचक्र देखिए, मादा रेशम कीट शहतूत की पत्तियों पर बहुत सारे अंडे देती है। इन अंडे से इल्लिया और कैटरपिलर लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा शहतूत की पत्तियां खाकर बड़े हो जाते हैं। इसके पास मकड़ी के समान धागे निकालने वाली ग्रंथि होती है, जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। ये लार्वा इस ग्रंथि से पतला धागा निकालकर अपने चारों ओर लपेट लेता है, जिससे लार्वा रेशम के खोल में बंद हो जाता है, जिसे कोकून कहते हैं। देखिए वैक्स अंडे पर दिया दोस्तों, वैक्स है रेशम कीट का जीवन चक्र। देखिए पहले आपका लार्वा हुआ, कीड़ा, फिर प्यूपा तैयार हुआ, फिर दोस्तों अंडे दिया पहले, फिर आपका लार्वा बना, फिर प्यूपा बना, फिर कोकून बना दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोकून के अंदर का लार्वा प्यूपा कहलाता है। कोकून के अंदर का लार्वा क्या कहता है? प्यूपा कहलाता है। बाद में कोकून से डस्क कीट बन जाता है और पुनः यही जीवन चक्र शुरू हो जाता है। शहतूत के अलावा रेशम के अन्य गैर शहतूती किस्में के समानता रूप में वन्या कहा जाता है। इससे रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को गर्म पानी में डाला जाता है, जिससे इसके अंदर का प्यूपा मर जाता है और कोकून से रेशम का धागा अलग हो जाता है। कोकून फट जाता है तो रेशम खराब हो जाता है, अतः कोकून से रेशम निकालना बड़ी सावधानी का काम है। रेशम की किस्में देखिए दोस्तों, रेशम की कुल 5 किस्में होती है जो रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती है और विभिन्न खाद्य पौधों पर फलती है। ये किस्में निम्नलिखित हैं। पहला देखिए शहतूत है, मलबरी रेशम इसे कहते हैं हम लोग। दूसरा ओक तसर है, ओक तसर कहते हैं। तीसरा आपका उष्णकटिबंधीय तसर है, ट्रोपिक तसर कहते हैं। चौथा मूंगा है और पांचवा ईडी है दोस्तों, इसे याद रखिए। पहला कौन है? ओक। पहला है आपका शहतूत मलबरी, दूसरा है ओक स्तर, तीसरा है उष्णकटिबंधीय स्तर, चौथा है मूंगा, पांचवा ईडी है दोस्तों। भारत में इन सभी प्रकार के वाणिज्यिक रेशम का उत्पादन होता है। विश्व का 90% से अधिक रेशम एशिया में उत्पादित होता है। रेशम उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है और साथ ही भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर,
पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर चतुर्थी रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है दोस्तों। रियोम कृत्रिम रेशम का, कृत्रिम रेशम को रियोम कहते हैं। कृत्रिम रेशम क्या कहते हैं हम लोग, कृत्रिम रेशम को रियोम कहते हैं। रेशम से संबंधित तथ्य, भारत में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेपण बरहमपुर में 1947 में स्थापित किया गया। केंद्रीय ईरी अनुसंधान संस्थान मेदी पाथर मेघालय में एवं केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान रांची झारखंड में स्थित है। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है। भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ साथ 5 किस्मों के रेशम मलबरी, तसर, ओक तसर, ईरी और मूंगा सिल्क का उत्पादन करने वाला अकेला देश है दोस्तों। भारत के कुल रेशम उत्पादन में से मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन 89%, ईरी किस्म के रेशम का उत्पादन 8.6%, तसर किस्म के रेशम का 2% और मूंगा किस्म के रेशम का उत्पादन 0.4% होता है दोस्तों। देश की कुल रेशम उत्पादन का लगभग 50% कर्नाटक में होता है, इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है दोस्तों। ऊन देखिए, ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है, जो विशेष प्रकार की त्वचा की कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है, किंतु बकरी और याक आदि अन्य जंतुओं के बालों से ऊन बनाया जा सकता है। पश्मीना ऊन देखिए साथियों, पश्मीना ऊन चांगथांगी बकरी यानी पश्मीना बकरी से आता है। ये नेपाल और भारत के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाली बकरियों की एक विशेष नस्ल है। लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में चांगपा जनजाति पश्मीना ऊन के पारंपरिक उत्पादक हैं दोस्तों। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश द्वारा निर्मित एक विशेष प्रकार का फाइबर, पशु फाइबर है दोस्तों। अंगोरा खरगोश को उसके लंबे तंतु वाली ऊपरी परत के लिए पाला जाता है, जिसे अंगोरा ऊन के रूप में जाना जाता है, जिसे कतरनी कंघिया हल्किंग द्वारा इकट्ठा किया जाता है। अंगोरा खरगोश घरेलू खरगोश के सबसे पुराने प्रकारों में से एक है। इस क्षेत्र का ठंडा तापमान कश्मीरी ऊन के अच्छे पश्मीना वर्ग की वृद्धि का प्राथमिक कारक है, इसलिए जिसके लिए उन्हें पाला जाता है। कताई रेशा से धागा या तांगा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई करने वाला यंत्र तकली और चरखा है दोस्तों। धागा से वस्त्र बनाने की दो विधि होती है, बुनाई एक होता है दोस्तों। धागा के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, जैसे टी शर्ट का कपड़ा बुनाई के कारण यंत्र करघा बंधाई दोस्तों। नेटिंग धागा के एक सेट से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाता है। फ्लैक्स की खेती नील खेती के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। फ्लैक्स खेती नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। जूट खेती गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है दोस्तों। विभिन्न पदार्थों का बनना, अगला पार्ट में हम बनाएंगे। वीडियो में यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा, काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटा 15 मिनट का हो गया। आप लोग यहीं इसको क्लियर कीजिए। अगला टॉपिक, अगला पार्ट अगले वीडियो में लाया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।